और इस तरह आप बिना किसी ऐप की और वेबसाइट की अपने इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोवर आसानी के साथ बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम पर फॉलोवर बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोगों ने इंटरनेट पर या यूट्यूब पर जरूर सर्च करा होगा कि इंस्टाग्राम पर फॉलोवर कैसे बढ़ाएं, तो आप लोगों के लिए वहाँ पर काफ़ी सारी वीडियो मिल जाती हैं जिसमें वो आपको बताते हैं कि आप ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लीजिए या फिर इस वेबसाइट पर जाकर लॉग इन कर लीजिए और अपनी मर्जी से जितने चाहें 1,000, 10,000, 20,000 जितने चाहें उतने फॉलोवर आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि आप 5 मिनट में 5,000 फॉलोवर भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि उन सभी वेबसाइट और उन सभी ऐप के जरिए आप जितने भी फॉलोवर गेन करते हैं उनमें से 99% फेक होते हैं। यानी कि अगर आप उनमें से किसी भी फॉलोवर को अपने साथ ऐड कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आप कोई भी पोस्ट या कोई भी रील्स वीडियो डालेंगे तो आपके लिए ना के बराबरी उसमें लाइक या व्यूज देखने को मिलेंगे। बट आज की खास वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 स्टेप बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मल या बोले तो बिल्कुल एक्टिव फॉलोवर अपने इंस्टाग्राम पर गेन कर पाएंगे। तो आज की खास वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना है और एंड तक देखना है। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आइए आप बात करते हैं कि हम ऐसे कौन सी 5 स्टेप है जिन्हें अगर अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप कैसे अपने फॉलोवर को गेन कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पे आता है कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपको फॉलोवर गेन करने हैं तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछें कि भाई आपको ये लोग क्यों फॉलो करें। यानी कि अगर आप भी इंस्टाग्राम पर किसी ना किसी को फॉलो करते होंगे तो कोई ना कोई तो रीज़न रहता होगा जिसकी वजह से आप उन्हें फॉलो करते होंगे। फिर चाहे वो आपको ऐसा कंटेंट दे रहे हों जिससे आपकी नॉलेज गेन हो रही हो आपके लिए, या फिर आपका एंटरटेनमेंट मिल लिया हो, या फिर आपके लिए कोई भी मोटिवेशन मिल गया हो, तभी तो आप किसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक उसी तरह अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें तो आपको अपने जो भी इंस्टाग्राम आईडी या अकाउंट हो उस पर आपको कोई ना कोई कंटेंट दूसरों के लिए प्रोवाइड कराना पड़ेगा। फिर चाहे वो आपका टैक्स से रिलेटेड हो या फिर आपका कॉमेडी की वीडियो हो या फनी वीडियो या आप बिजनेस से रिलेटेड कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक कैटेगरी में अपने जो भी आप रील्स या जो भी आप कंटेंट दे सकते हैं वैसा प्लेटफॉर्म आपके लिए बना लेना, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर वो आपकी कोई भी कैटेगरी हो सकती है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने जो भी इंस्टाग्राम का अकाउंट हो उस पर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लें जिस पर आप अपने अच्छा खासा कंटेंट अपने जो भी आपके ऑडियंस है जो भी फॉलोवर बनेंगे उनके लिए आप देते रहेंगे, ठीक है। फिर नंबर 2 पर आता है कि आप जो भी अपना कंटेंट दें उसको एक डेली रूटीन में जरूर बनाएं। जैसे कि अगर आप डेली एक पोस्ट डाल रहे हैं, डेली एक रील्स वीडियो डाल रहे हैं तो आपको डालनी है। आपने देखो ऐसे काफ़ी इन्फ्लुएंसर या काफ़ी ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट हैं जिस पर आप देखेंगे फॉलोवर तो लाखों बट वो मेहनत भी करते हैं। यानी कि देखेंगे डेली के 3 पोस्ट या 2 पोस्ट तो डालते हैं, बट अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि आपके पास कम टाइम है तो आप एक पोस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नंबर 3 पर आता है कि आपको जो भी आपके जिस भी कैटेगरी में आपका चैनल है, जिस भी कैटेगरी में आपने अपने पोस्ट को या जो भी आप कैटेगरी में रील्स को डालना है उसका ट्रेंडिंग टॉपिक ही डालें। जैसे कि अगर आपका बिजनेस से रिलेटेड है तो आप बिजनेस में कंपनी में क्या चल रही है आज की मार्केट में, तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक ही इसमें अपलोड करने हैं, यानी कि उस पर डालने हैं, ठीक है। फिर नंबर 4 पे आता है कि अगर आप जो भी रील से जो भी पोस्ट डाल रहे हैं उस पर आप बिल्कुल अच्छे से जो भी आपके गुड या एक्सीलेंट टाइप के जो भी हैशटैग होते हैं उन्हें जरूर लगाएं। जैसे कि अगर यूट्यूब पर कोई भी डालते हैं तो टैग काम करते हैं, उसी तरह से अगर इंस्टाग्राम पर कोई रील्स या कोई पोस्ट डालते हैं तो उस टाइम हैशटैग काम करते हैं, तो आप हैशटैग बिल्कुल अच्छे अच्छे लगाएं, ठीक है। फिर नंबर 5 पर आता है कि आप जो भी पोस्ट डालें आप अपनी पसंद से ना डालें। यानी कि सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस को पहचानना है कि आपके जितने फॉलोवर हैं वो किस एज की हैं और किस चीज़ की उन लोग को ज़्यादा डिमांड रहती है, वो कौन सी ऐसी पोस्ट या रील्स चाहते हैं जो आप उन्हें दे सकते हैं। तो आप सबसे पहले गलती ये क्या करते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पोस्ट या कोई भी रील्स ना डालें, आप अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही डालें। यानी कि आपको क्या पसंद है ये चीज़ इससे मतलब नहीं रखता है कि आपकी जो भी फॉलोवर हैं या ऑडियंस क्या हैं उन्हें क्या मतलब है, किस रील से मतलब है, किस पोस्ट से मतलब है, तो आप उनके अकॉर्डिंग अपने पोस्ट को उस पर डालते रहें, ठीक है। तो ये तो थे 5 ऐसे टिप्स अगर जिन्हें आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अच्छे खासे फॉलोवर गेन कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाएं, गुड बाय।